आज जो ये पौधा आप देख रहे हैं खूबसूरत सा, इसको डिफेनबेकिया कहते हैं और इसे डम्ब केन भी कहा जाता है। तो आज इसके प्रोपगेशन और केयर के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। तो गाइस, ये जो है एक इनडोर प्लांट है, मतलब ये आप डायरेक्ट सनलाइट में इस प्लांट को नहीं रख सकते हैं। ये आप शेडेड एरिया में रखें या फिर वहाँ रख सकते हैं जहाँ पर हल्की धूप 2-3 घंटे की सवेरे की आती हो और उसके बाद पूरे दिन इसको केवल लाइट मिलता हो, डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। तो ये पौधा जो है आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, इसको बहुत सारे लोग आजकल परचेज कर रहे हैं, अपने अपने घर में लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके चलते ये लोगों का फेवरेट प्लांट बन गया है। ये क्या करता है, आप अगर अपने रूम में इसको रखते हैं तो जो भी पॉल्यूटेड एयर होता है, हार्मफुल एयर होता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके एयर को फ्रेश बनाता है। तो इसलिए आजकल लोग इसको अपने घर में लगाना पसंद कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि इस प्लांट का नाम डिफेनबेकिया है और इसे डम्ब केन भी कहा जाता है। तो इस डम्ब केन के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसका जो ये स्टेम है, इसको अगर कोई खा लेता है तो उसकी आवाज़ जो है वो चली जाती है कुछ देर के लिए। तो इसलिए आवाज़ चली जाती है, आदमी गूंगा जैसा हो जाता है, तो इसलिए इस प्लांट का नाम डम्ब केन भी रखा गया। तो इस प्लांट की अगर केयर की बात करते हैं तो गाइस, कुछ खास डिमांडिंग ये पौधा नहीं है। इसको आप अगर पॉट में लगा देते हैं एक बार तो फिर ये अपने आप ग्रो करता रहता है, लेकिन इसको बस ध्यान ये रखना है कि आपको इसको शेडेड एरिया में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। या फिर आप टेरिस गार्डन पर रखते हैं तो जो बड़े बड़े प्लांट हैं उसके शेड में आप इसको रखिएगा तो ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल वेल ड्रेंड होनी चाहिए। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अगर पॉट में गार्डनिंग कर रहे हैं, टेरिस पर गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आपका जो सॉइल होना चाहिए पॉट का वो वेल ड्रेंड होना चाहिए, पानी उसमें ठहरना नहीं चाहिए। आप उसमें पानी दें तो जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो उसमें से निकल जाना चाहिए। तो इस प्लांट में भी आपको वेल ड्रेंड सॉइल चाहिए और ज़्यादा अगर वाटरिंग की बात करें तो ज़्यादा वाटरिंग इस प्लांट को नहीं करनी है। अगर इसकी मिट्टी गीली है तो आप वाटरिंग ना करें, हल्की मिट्टी जब थोड़ी सूख जाए तभी आप इसमें वाटरिंग करें। लगातार वाटरिंग करने से इसका रूट जो है वो रॉट हो सकता है, सड़ सकता है और प्लांट आपका मर सकता है, प्लांट के रूट में भी फंगस लग सकता है। तो आप ओवर वाटरिंग करने से बचें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो प्लांट है उसकी ब्यूटी इसके लीव्स ही है, तो इसके लीव्स को समय समय पर आप इसको कपड़े गीला करके इसको इसकी सफाई करते रहें, तभी इसके लीव्स में चमक बनी रहेगी और आपका प्लांट खूबसूरत दिखेगा। अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें कुछ खास फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप शुरू में ही सॉइल को अच्छे से रिच करके इस प्लांट को लगाए हैं तो वैसे तो कुछ फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि प्लांट की रिक्वायरमेंट है कि उसको कुछ फर्टिलाइजर चाहिए तो आप उसमें थोड़ा सा बर्मी कंपोस्ट, नीम खली डाल सकते हैं। वैसे तो डिफेनबेकिया की बहुत सारी वेराइटी होती है, लेकिन सब में वही ग्रीन लीव्स और बीच में जो ये डेरिगेशन है इसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो मेरे पास दो अभी वेराइटी है, एक तो ये वेराइटी है जिसमें ग्रीन में बीच में आपको इस तरह का शेड है, और एक ये वेराइटी मेरे पास है जिसमें बीच में ऐसा कुछ क्रीम कलर का नहीं है, वो सेम शेड में है। तो इसलिए इस तरह की दो वेराइटी अभी मेरे पास है। देखिए, इसके जो प्लांट्स होते हैं उसकी ब्यूटी तो इसकी लीव्स ही होती है, तो नीचे इस तरह से जैसे सब लीव्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं उसको आप हटा देंगे तो पौधे की सुंदरता बनी रहेगी। गाइस देखिए, ये एक मेरा प्लांट है डिफेनबेकिया का, तो इसको अगर आप अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो इसका लीव्स देखिए टूट भी जाता है और उस समय बहुत दुख होता है, क्योंकि लीव्स ही इसकी ब्यूटी होती है। मेरा भी एक प्लांट है जिसको इधर से उधर शिफ्ट करने में ये टूट गया है और ये कितना खूबसूरत बड़ा लीव्स है, तो मुझे बहुत दुख भी हो रहा है।
डिफेनबेकिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें धीरे धीरे जब ये बड़ा होने लगता है, इसकी हाइट बड़ी होने लगती है, तो नीचे के जो लीव्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं और वो टूट के गिर जाते हैं, तो ये प्लांट उतना खूबसूरत नहीं लगता है। ऐसे में जब इसका लीव्स नीचे का सब खत्म होने लगता है और पौधा जो है बहुत लेगी टाइप का हो जाता है, बहुत खूबसूरत नहीं दिखता है, तो इसका यूज हम लोग प्रोपगेशन में करते हैं, इसकी कटिंग करके और बहुत ढेर सारे नए नए डिफेनबेकिया के हम लोग प्लांट बना लेते हैं। ये मेरा एक प्लांट था जो बहुत लेगी जैसा हो गया था, तो मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया है, तो देखिए कैसे साइड से एक ब्रांच निकल गया है और ये भी खूबसूरत लग रहा है। वैसे एक नहीं, दो दो भी इधर से भी और भी निकल सकते हैं, मेरे प्लांट में अभी नहीं निकला है। तो मेरे पास एक दो और बड़े पौधे थे जो लेगी जैसे हो गए थे, तो उनकी कटिंग करके मैंने इन सभी पॉट में लगा दिया है, तो एक दर्जन डिफेनबेकिया के करीब करीब नए प्लांट हो गए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास इतने सारे डिफेनबेकिया के प्लांट हो गए हैं, और इन सबों को जब मैं अच्छे से पॉट में लगाकर एक जगह रखूँगी तो उस एरिया की खूबसूरती बहुत बढ़ जाएगी। देखिए गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे कटिंग करके मैंने इसके ब्रांच की कटिंग करके कैसे मैंने लगाया था, उसको अभी निकाल रही हूँ। काफी रूटिंग इसमें हो चुकी है। देखिए ये जो आप स्टेम की कटिंग करेंगे उसको इस तरह से हॉरिजेंटल रख देंगे, तो इसका जो जगह जगह से इसके होते हैं नोट्स, वहां से इसका फुटाव होता है और एक नया पौधा बन जाता है। देखिए इसमें अच्छी खासी रूटिंग हो गई है, तो इसको अब मैं, चूंकि ये पौधा रेडी हो गया है अच्छे से दूसरे पॉट में ट्रांसफर करने के लिए, तो इसको अभी मैं दूसरे पॉट में ट्रांसफर कर रही हूँ और इसका ग्रोथ उसके बाद अच्छे से ज्यादा होगा। अभी यहाँ बहुत सारे पौधे हैं तो इसको उतना ग्रोथ इसका हो नहीं रहा है। देखिए इस पॉट में मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ, और एक बार इसको लगाने के बाद फिर तुरंत तुरंत आपको पॉट को बदलने की जरूरत नहीं होती है, ये काफी दिन तक एक ही पॉट में ग्रो करता रहता है, तो इसे मैंने यहाँ लगा दिया है और किसी शेडेड एरिया में इसको अभी रख दूंगी। वैसे भी ये शेड लविंग प्लांट है तो इसको शेडेड एरिया में ही रखना उचित होता है। ये भी देखिए एक और प्लांट है जिसको कुछ दिन पहले मैंने एक पॉट में ट्रांसफर किया था, तो इस तरह अलग अलग बहुत सारे पॉट में जब मैं ट्रांसफर करूंगी तो आप देख रहे हैं कि कितने सारे डिफेनबेकिया के प्लांट मेरे पास हो गए हैं। एक और प्लांट निकाल कर आपको दिखा रही हूँ गाइस, देखिए कैसे इसको लगाया जाता है। आप देख रहे हैं कि इसको हॉरिजेंटल, वो जो स्टेम कट करके इसको हॉरिजेंटल रखा जाता है और इसके जो नोड होते हैं वहीं से ये प्लांट निकलता है और रूटिंग भी इसमें हो चुकी है, तो इस तरह बहुत सारे नए पौधे बन चुके हैं और इन सबों को अलग अलग पॉट में मैं अब लगाऊंगी सबको। तो आपने देखा कि इसका प्रोपगेशन कितना आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जब आप स्टेम को कटिंग करके मिट्टी में लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही नए नए पौधे निकल आएंगे, आपको वेट करना पड़ेगा कुछ दिन, तभी वो पौधे निकलते हैं और धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। तो गाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस खूबसूरत प्लांट की जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।